शाहजहांपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण आहार दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किसान, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आपको बता दें कि पोषण आहार अभियान के तहत बताया गया कि एक सामान्य व्यक्ति को कितना आहार लेना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे एवं बीमारियों से दूर रहे। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सब्जी की मिनी किट का वितरण किया गया। प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी आर अंबावतिया ने बताया कि जिले में सितंबर माह में पोषण आहार अभियान चलाया जा रहा है। इससे आम लोगों को बताया जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति को कितना आहार लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान किसानों, छात्र छात्राओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की फसल को लेकर महत्वपूर्ण सलाह जारी की है एवं आगामी समय में फसल को लेकर किस प्रकार से फसल को बुवाई करनी है इस पर प्रकाश डाला। शाहजहांपुर से दिन सोशा समावेश कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम जो है वो खनिज लवण प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ये हमारी खाद्य संबंधी आदतों में इसका समावेश नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम जागरूकता ला करके मशरूम की खेती करके और मशरूम को अपने थाली में समावेश करके हम अपने स्वास्थ्य और पोषण स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो युवा हैं इससे एक अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम महिलाओं को, किसानों को जागरूकता के संबंध में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पोषण के प्रति जो जागरूकता है उसको हमें लाना है और जो हम खा रहे हैं उसी को हमें उगाना है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि जो हम उगा रहे हैं उसको हम खा नहीं रहे हैं और जो हम खा रहे हैं उसको हम उगा नहीं रहे हैं। तो हमारे पास आसपास ही ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और हमारी खेती से संबंधित ऐसी कई खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम अपनी भोजन थाली में समावेश करके एक संतुलित आहार अपने और अपने परिवार को दे सकते हैं और अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। आज कृषि विज्ञान केंद्र पर पोषण आहार अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम आयोजित हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में ये आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पोषण आहार से संबंधित पूरा सितंबर महीना 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा और महिला बाल विकास भारत सरकार और कृषि विभाग और सभी हमारे राज्य सरकार के द्वारा गांव-गांव में जो हमारी कुपोषित माताएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुपोषण कैसे लिया जाए और कुपोषण को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा पोषण कैसा होना चाहिए और इसका जो मेन कारण है, आज हमारे ज़िले में जो कुपोषण की मेन प्रॉब्लम होती है इसके कारण महिलाओं में एनीमिया हो रहा है, महिलाओं में कमजोरी है, महिलाओं में खून की कमी है, ऐसी कई बीमारियां जो कुपोषण के द्वारा फैल रही है। साथ ही में हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या भी हमारे ज़िले में बढ़ती जा रही है, तो उस कुपोषण को हम कैसे दूर करें, ऐसे कौन से आहार है संतुलित आहार जिसको हमें खाने से उस कुपोषण को दूर किया जा सकता है। संतुलित आहार के रूप में 6 प्रकार के संतुलित आहार होते हैं। आपके आहार में प्रोटीन होना चाहिए जो हमें दालों से प्राप्त होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, वो हमारे जितने भी अनाज वाली फसलें हैं चाहे गेहूँ है, चाहे ज्वार है, चाहे मक्का है, इससे प्राप्त होते हैं। वसा जो हमें तेल से प्राप्त होती है, तेल और घी से। साथ ही में कुछ खनिज लवण जो हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। साथ ही में कुछ पानी, ये 4-5 चीज़ें हमारे संतुलित आहार में होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम सब हमारे ग्रामीण महिलाओं को, हमारे गांव के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे घर पे, हमारे घर के आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हम खा करके हम हमारे कुपोषण को दूर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। फसल को लेकर किसानों को शाहजहांपुर से दिलीप सोराष्ट्र की रिपोर्ट।